नमस्कार, मंच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सफर में मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज यहाँ पर काफी जनसैलाब आपके साथ है। वार्ड नंबर 1 नाहौली बीजापुर है। इस तरीके का सपोर्ट आपको यहाँ से मिल रहा है, जैसे पूरा बीजापुर नाहौली आपके साथ आज चल रहा है, इतना काफी जनसैलाब है। कैसा समर्थन जनता का मिल रहा है आपको? अभी ये जनता सिर्फ गांव बीजापुर की है, नाहौली का हमको 50% मतदान मिलेगा। अब कहने सुनने 50 बात है, लेकिन 4 तारीख को एक तरफा वोट बीजापुर में होगा। 50% जनता जो है नाहौली की जो मतदान करेगी हमारे लिए। जैसे जनता के समर्थन को देखते हुए क्या आप अभी आप किसी को विपक्ष में मानते हैं? कोई विपक्ष में नहीं है जी, कोई विपक्ष में नहीं है। हम हमारे बीच में बहुत गैप रहेगा हाथी वाले से जी। सरकार हमारे यहाँ पच्ची प्रधान जी जीत रहे हैं, चुनाव चिन्ह का केंद्र है और पूर्व भवन से किसी की कोई फाइट नहीं है, ना बीजेपी की, ना बीएसपी की, ना ही अंजलि कर्द मैं जो उसकी भी कोई फाइट नहीं है। हमारे किसी से कोई फाइट नहीं, एक तरफा जीत है। चुनाव चिन्ह के लिए आप देख रहे हैं कितनी, यानी समाज हमारे साथ है, पूरा गांव हमारे साथ है। ऐसे से लाई गई भीड़ नहीं है, ये सब एक तरफा जीत है। बिगर पैसे की मतदान वोटर है सपोर्टर है, अच्छी तरह से जीत रहे पूर्व भवन से। आप देख लेना, जीत के बाद भी मेरा इंटरव्यू जरूर लेना। मैं पूर्व जिला मीडिया प्रभारी हूँ आजाद समाज पार्टी से और जिला सचिव भी रह चुका हूँ, और हमारे प्रधान जी पहले भी विधायक का चुनाव लड़ते रहे और शायद अगली बार आने पंचवर्षीय में विधायक का चुनाव भी लड़ेंगे छाता गोवर्धन विधानसभा से। समाजवादी जिंदाबाद, आजाद समाजवादी जिंदाबाद, आजाद समाजवादी जिंदाबाद, प्रधान जिंदाबाद, प्रधान जिंदाबाद।